हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ऑफिस नोटबुक। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो पे हम लोग लिब्रा ऑफिस राइटर पे एक कैश मेमो का फॉर्मेट बनाना सीखा था। दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग सीखेंगे इस कैश मेमो पे हाथों से फिल करने के बदले में हम लोग किस तरीके से लिब्रा ऑफिस राइटर पे हम लोग फिल कर सकते हैं, सीरियल नंबर डाल सकते हैं, क्वांटिटी डाल सकते हैं, पार्टिकुलर्स डाल सकते हैं, रेट डाल सकते हैं, अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई कैलकुलेटर की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आप डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ओके, तो किस तरीके से कर सकते हैं चलिए समझते हैं। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। पहले हम लोग इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है स्प्लिट सेल्स का, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए स्प्लिट सेल्स का यहाँ पर पॉपअप आ गया। ओके, सपोज मैं किसी कस्टमर को 5 आइटम सेल कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर स्प्लिट सेल इनटू 5 ले लूंगा। डायरेक्शन यहाँ पर मैं हॉरिजेंटली रखूंगा और इनटू इक्वल प्रोपोर्शन, तो यहाँ पर आप चेक कर देंगे तो इक्वल प्रोपोर्शन पे डिवाइड होगा, या फिर आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा फिलहाल। अब फ्रेंड्स, मैं इन सेल्स को सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है टेबल प्रॉपर्टीज का, और टेबल प्रॉपर्टीज से देखिए हम लोग बॉर्डर्स पे चले जाएंगे, और यहाँ पर पहले मैं ऑल बॉर्डर्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। फिर दोस्तों देखिए जो इनर हॉरिजॉन्टल बॉर्डर है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा और यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल बॉर्डर्स है ये रिमूव हो जाएगा। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सीरियल नंबर डाल देता हूँ 1। ओके, इसके बाद यहाँ पर मैं क्वांटिटी ले रहा हूँ 15। पार्टिकुलर्स यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 10, और रेट मैं ले रहा हूं 20 रुपीज। ओके, सो यहां पर मुझको अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो इस सेल को सिलेक्ट किया, यहां पर मैं इक्वल टू साइन दूंगा। सो देखिए यहां पर फॉर्मूला बार आ जाएगा। यहां पर मैं पहले क्वांटिटी सिलेक्ट कर लूंगा, मतलब B3 सेल, और इसके बाद मैं मल्टीप्लीकेशन साइन दूंगा, और यहां पर रेट सिलेक्ट कर लूंगा D3 सेल को, और एंटर कर दूंगा। सो यहां पर आप देख पाएंगे अमाउंट आ गया है। ओके, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नंबर 2 ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ क्वांटिटी 10, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ पार्टिकुलर्स में ले रहा हूँ पेंसिल, यहाँ पर मैं रेट ले रहा हूँ 7, यहाँ पर मैं अमाउंट कैलकुलेट करूंगा तो इक्वल टू साइन दूंगा, फॉर्मूला बार आ गया। फिर से मैं क्वांटिटी सेल को सिलेक्ट करूंगा B4, इसके बाद मैं मल्टीप्लीकेशन साइन दूंगा, और यहाँ से देखिए रेट सेल को सिलेक्ट करूंगा, ये है दोस्तों D4, और एंटर कर दूंगा। तो देखिए यहां पर सही तरीके से कैलकुलेट हो गया। फिर मैं 3 नंबर ले रहा हूं, यहां पर मैं क्वांटिटी कितना लूंगा, यहां पर मैं क्वांटिटी ले रहा हूं 25। ओके, और पार्टिकुलर्स में ले रहा हूं नोटबुक, और यहां पर मैं रेट ले रहा हूं 45, और यहाँ पर मैं अमाउंट कैलकुलेट करूंगा तो इक्वल टू साइन दूंगा, इसके बाद मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा B5, मल्टीप्लीकेशन साइन दूंगा, रेट को सिलेक्ट करूंगा और एंटर कर दूंगा। सो यहाँ पर देखिए नोटबुक का अमाउंट कैलकुलेट हो गया। फिर मैं नंबर 4 ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्वांटिटी ले रहा हूँ 5, और यहाँ पर मैं पार्टिकुलर्स में ले रहा हूँ मार्कर, और रेट मैं ले रहा हूँ 20, अमाउंट कैलकुलेट करूंगा, फिर से मैं इक्वल टू साइन दूंगा, इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, मल्टीप्लीकेशन साइन, रेट, और यहाँ पर मैं इसको अमाउंट निकाल लूंगा। ओके, फिर मैं यहाँ पर मैं ले रहा हूँ नंबर 5, और क्वांटिटी में मैं ले रहा हूँ 15, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ इरेजर, और इसका प्राइस मैं ले रहा हूँ 7, और यहाँ पर मैं इक्वल टू साइन दूंगा, क्वांटिटी मल्टीप्लीकेशन साइन, रेट और एंटर। सो यहाँ पर आप देख पाएंगे सब अमाउंट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर मुझको टोटल कैलकुलेट करना है, तो मैं इन दोनों सेल्स को पहले सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर देखिए मार्च का ऑप्शन मिलता है, मार्च सेल कर दूंगा। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इक्वल टू साइन दूंगा, इसके बाद देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बार आ गया। यहाँ पर फंक्शन से मैं शाम को सिलेक्ट कर लूंगा और इन सेल्स को सिलेक्ट कर लूंगा और एंटर कर लूंगा। सो जैसे ही एंटर करूंगा यहाँ पर आप देख पाएंगे
ऑटोमेटिकली टोटल कैलकुलेट हो गया। ओके, अब अगर आप सिग्नेचर डालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर डाल सकते हैं। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ डिजिटल सिग्नेचर किस तरीके से हम लोग डाल सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर हाथों से फिल करे बगैर ही आप यहाँ पर लिब्रेऑफिस राइटर पे इसको फिल कर सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं अमाउंट, टोटल अमाउंट। फिर यहाँ पर आप इसको प्रिंट कर ले और अपने कस्टमर को आप दे सकते हैं और अपने पास पे एक कॉपी भी रख सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।